बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की सोशल स्टडीज़ ग्रेड वन की किताब, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में हेल्प देंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल के लिए बच्चे को सबक बेहतरीन तरीके से समझाने में मदद देगा। हमारा समर पैक और हमारा रिसोर्स पैक आपको कैंटर की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं हमारा लेसन क्या है। सोशल स्टडीज़ ग्रेड वन में आज हमारे पास लेसन है नेबरहुड, हमारा लेसन नंबर 6। इसके SLOs हैं हमारे पास, रिकग्नाइज द आइडिया ऑफ नेबरहुड, अंडरस्टैंड द राइट्स ऑफ नेबर्स। हमारे ये 2 SLOs हम अपने पिछले लेक्चर्स में लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के थ्रू अचीव कर चुके हैं। आज हमारे पास हमारा लास्ट स्किल है राइटिंग। तो आज हम अपने इन दोनों SLOs को, जिनको हमने सुनकर, बोलकर और पढ़कर सीखा, आज हम इनको लिखकर भी सीखेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक होना लाजमी है। हम अपनी टेक्स्ट बुक से इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ वर्कबुक और समर पैक से कुछ एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज़ को हम सॉल्व करके इस लेसन को बेटर तरीके से प्रैक्टिस करके सीखेंगे। सबसे पहला हमारा जो होमवर्क है वो हमारी वर्कबुक से है। अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 19 खोलें। आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 19 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अहमद लिव्स इन अ टाउन, हिज हाउस नंबर इज 12A, अलीज हाउस इज ऑन हिज राइट साइड, फरहान हाउस इज ऑन हिज लेफ्ट साइड। ये पिक्चर आप देखें, यहाँ पे आपका पिक्चर रीडिंग का स्किल प्रैक्टिस होगा। अपनी इस पिक्चर को सबसे पहले देखें, हमारे सवाल में हमें क्या कहा गया है, अहमद लिव्स इन अ टाउन, अहमद शहर में रहता है, हिज हाउस नंबर इज 12A। ये देखें, ये जो 12A इस तस्वीर में घर है, ये अहमद का घर है, ये घर हमारे पास अहमद का है। उसके बाद अहमद की राइट साइड पर किसका घर है, अली का घर है। ये देखें, अहमद की राइट साइड ये है, तो ये अली का घर है। उसके बाद अहमद की लेफ्ट साइड पर फरहान का घर है। ये तो हो गया आपका पिक्चर रीडिंग का सवाल कि आपने इस पिक्चर को रीड किया, आपने देखा कि 12A अहमद का घर है, उसके राइट पर अली का घर है, उसके लेफ्ट पर फरहान का घर है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनका हमने जवाब देना है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये तीनों आपस में क्या लगते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये तीनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। उसके बाद आपने बताना है व्हाट इज़ द हाउस नंबर ऑफ अली, अली का घर का नंबर क्या है। जो भी अली के घर का नंबर है वो यहाँ पे आपने लिखना है, उसका हाउस नंबर जो भी है अली का, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हाउ शुड दे बिहेव विद ईच अदर, इन तीनों को आपस में किस तरह से पेश आना चाहिए, इन तीनों का एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो इन तीनों का आपके नज़दीक जैसा भी बिहेवियर एक दूसरे के साथ रखना चाहिए वो यहाँ पे आप लिखकर बताएं। उसके बाद हमारे पास हमारा अगला होमवर्क है हमारे समर पैक से। सबसे पहले अपने समर पैक का पेज नंबर 28 देखें। पेज नंबर 28 पे आपको ये 2 सवाल मिलेंगे जो आपके SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपके SLOs को मद्देनज़र रख के बनाए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके फर्स्ट SLO के साथ ही मैच, फर्स्ट SLO को देखकर बनाया गया है। व्हाट इज़ नेबरहुड, नेबरहुड से क्या मुराद है। यहाँ पे आपने अपना आंसर लिखना है कि नेबरहुड से क्या मुराद है, आपने अपने पहले और दूसरे लेक्चर में जो सीखा तो यहाँ पे आप उसको लिखें। डू यू हैव एनी फ्रेंड इन योर नेबरहुड, ये भी हमारे SLO 1 को ही देखकर हमने सवाल आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे आप बताएं, डू यू हैव एनी फ्रेंड इन योर नेबरहुड, इफ़ योर आंसर इज़ येस देन राइट इट येस, एंड इफ़ इट इज़ नो देन राइट इट नो। जो भी आपका आंसर है यहाँ पर लिखें। इसके बाद अपने समर पैक का पेज नंबर 30 देखें।
पेज नंबर 30 पर आपके पास कुछ और SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने सबक को बेहतर तरीके से सीखेंगे। सबसे पहला सवाल है, वेयर डू यू गो फॉर प्रेयर। ये भी हमारे पहले SLO का ही हिस्सा है, तो आप बताएं आप नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं। आप जहाँ भी नमाज पढ़ने जाते हैं, या आपके फादर या आपके ब्रदर्स, जो भी आपके घर में से नमाज पढ़ने जहाँ जाते हैं, उस जगह का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग, आप शॉपिंग किस जगह करने जाते हैं, तो आप जिस भी जगह शॉपिंग करने जाते हैं उस जगह का यहाँ पे नाम लिखेंगे। क्या आप शॉपिंग करने पार्क जाते हैं, प्लेग्राउंड जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप उस जगह का यहाँ पे नाम लिखें। इज देयर एनी पार्क इन योर नेबरहुड, क्या आपके नेबरहुड में कोई पार्क मौजूद है। आपका आंसर येस और नो में जो भी होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। डू यू प्ले क्रिकेट और एनी अदर गेम विद योर नेबरहुड फ्रेंड, क्या आप अपने किसी भी दोस्त के साथ, हमसाया दोस्त के साथ क्रिकेट या उसके अलावा कोई भी गेम खेलते हैं, तो यहाँ पे आप अपना आंसर बताएं और साथ में गेम का नाम भी लिखें जो आप अपने दोस्त के साथ खेलते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट होमवर्क हमारी टेक्स्ट बुक से है। अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 35 देखें। 35 में भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले रिपीट हो चुके हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको आपका लेसन बेटर तरीके से प्रैक्टिस करवाना है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखें। सबसे पहला हमारा है आंसर द गिवन क्वेश्चंस में, हमने पहला क्वेश्चन आपको दिया है हु आर नेबर्स, हमसाए कौन है। आपने अपने समर पैक में भी ये सवाल प्रैक्टिस किया और आप यहाँ आप अपनी किताब में भी इसको प्रैक्टिस करें और बताएं यहाँ पर लिखकर कि हु आर नेबर्स, हमसाए कौन है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, What makes our neighborhood peaceful? हमारे हमसाए को क्या चीज़ पुरअमन रखती है, हमें हमारा कौन सा बिहेवियर हमारे हमसाए को पुरअमन रखता है, हमारी हमसायगी में सुकून रखता है, हमारे नेबरहुड में पीस रखता है, वो आप यहाँ पर लिख कर बताएं। How should we treat our neighbors? हमने अपने लेक्चर्स में अपने नेबर्स के राइट्स सुने भी और पढ़े भी, तो आप यहाँ पर बताएं कि हमें अपने नेबर्स को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। आपने जो उन लेसन में सीखा कि हमें रवैया हमारे नेबर्स के साथ कैसा होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिख कर बताएं। नेक्स्ट है, व्हाट अदर बिल्डिंग्स कैन यू सी इन योर नेबरहुड, आप अपने हमसाये में अपने हमसायों के घरों के अलावा जो जो बिल्डिंग्स देखते हैं वो आप यहाँ पर उनका नाम लिखें और बताएं कि वो कौन कौन सी जगहें हैं। इसके बाद आपके पास एक फन एक्टिविटी है, अली वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, ही डज नॉट नो द वे, हेल्प हिम टू रीच हिज स्कूल। हमने अपने पिछले पिक्टोरियल मैप में इस तरह की मज़ेदार सी चीज़ें करके पिक्टोरियल मैप भी बनाना सीखा। अब यहाँ पे आपके पास ये एक आपको एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे अली को स्कूल जाना है, तो आप इस जगह पे रास्ता तलाश करके बताएं कि अली कौन से रास्ते से जाएगा तो वो अपने स्कूल पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आज हमारा लेसन नंबर 6 कम्प्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।